जायंट ट्रक रेस्क्यू। मनीषा ने नया नया ट्रक खरीदा था और अपने जायंट ट्रक में टमाटर को लोड करके उसे मुंबई तक ले जाने के लिए मुकेश से कहा, ए मुकेश, ये नया नया ट्रक है, कल ही शोरूम से इसका डिलीवरी हुआ है। जानते हो इसकी कीमत 1 करोड़ रुपए है। तुम पर भरोसा करके ये ट्रक तुम्हें सौंप रही हूँ। मैं जानती हूँ तुम लापरवाह हो, जरा चौकन्ना होकर काम करो। अगर ट्रक को कुछ नुकसान हुआ मैं तुम्हारा घर हड़प लूंगी और तुम्हें जेल भिजवा दूंगी, खबरदार, कह के उसे चेतावनी दिया। ये सुनकर मुकेश अपने मन ही मन में, इस मालकिन की झिक झिक दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। बात तो ये ऐसे करती है जैसे मैं नया नया आज ड्यूटी ज्वाइन हुआ हूँ। मैं कितने सालों से गाड़ी चला रहा हूँ, क्या मैं नहीं जानता कि ट्रक को कैसे चलाना है और कैसे नहीं। हजारों किलोमीटर गाड़ी चला चुका हूँ और ये मुझे सिखाती है। नसीहत तो कोई भी दे सकता है, चलाओ तब जाने। इसे कहा कि ट्रक चलाओ तो 1 किलोमीटर चलाते चलाते इसे तारे नजर आएंगे, कहकर बुदबुदाते हुए जा रहा था। ए मुकेश, ये क्या बुदबुदा रहे हो, ट्रक नया है ना, इसीलिए इतने बार कह रही हूँ तुमसे, ड्राइविंग करते हुए शराब ना पियो, शराब पीकर गाड़ी ना चलाओ, ट्रैफिक सिग्नल्स का पालन करो, आजकल सब ऑनलाइन हो गया है, अगर तुमने कहीं कानून तोड़ा तो फौरन फोटो निकाल कर हमें भेज देते हैं, वो सब जुर्माना भरते भरते मैं परेशान हो गई हूँ। तब मुकेश अपने मन में, अगर चलान नहीं भरना है तो ना भरो, गाड़ी को सीज कर लेंगे ये लोग और क्या। मैं तुम्हारा इतना फायदा करा रहा हूँ, तुमने मेरे तनख्वाह तो कभी बढ़ाया नहीं, इसीलिए ये चलान की सजा मिल रही है तुम्हें। मैं करता हूँ ना प्रबंध कि तुम्हें हर बार चलान होते ही रहे। यूं मन में सोचते हुए ऊपर से, ठीक है मालकिन, मैं ध्यान से चलाऊंगा, मैं क्लीनर मिश्रा को भी अपने साथ ले जाऊंगा, कहकर ट्रक लेकर जाने लगा। ट्रक चलाते हुए मुकेश, ये मालकिन पता नहीं क्या है, हर किलोमीटर के लिए डीजल का हिसाब लगाती रहती है, 1 रुपया भी नहीं मार पाता हूँ मैं। वैसे इसमें से अगर डीजल चुरा के बेच दिया तो उसे कहाँ से पता चलने वाला है, कहकर ट्रक को सड़क के किनारे रोका, ट्रक से थोड़ा डीजल निकाला और उसे बेचा। ये देखकर क्लीनर मिश्रा, अरे गुरु, मालकिन ने तुम्हें कितनी बार समझाया पर तुम समझते नहीं हो क्या, अब तुमने डीजल निकाल के बेच दिया तो हम मुंबई तक जाएंगे कैसे, ट्रक अगर बीच में रुक गई तो क्या करेंगे, बोलो। अरे मिश्रा, यहीं पर मेरी बुद्धि काम आती है, मुझे देखो और सीखो। मालकिन को फोन करेंगे कि डीजल खत्म हो गया है, तब वो चिल्लाएंगी कि ऐसे कैसे हो गया, तब उन्हें बताएंगे कि भाई रोड खराब था इसीलिए घूम के जाना पड़ा क्योंकि गाड़ी नहीं है, तो नए गाड़ी को तो खराब होने नहीं देगी तो इसीलिए अपने आप पैसे दे देगी, उन पैसों से मौज करेंगे, ठीक है, कहकर गाड़ी चलाने लगा और ट्रैफिक सिग्नल्स की परवाह ना करते हुए गाड़ी को आगे बढ़ाने लगा। ये देखकर मिश्रा, क्यों गुरु, नींद में गाड़ी चला रहे हो क्या, अरे आगे देखो लाल बत्ती है और तुम गाड़ी चलाए जा रहे हो, अरे गुरु खामखान चलान कटेगा। अरे चलान कटे तो कटे, अपना क्या जाता है, पैसे तो मालकिन को ही भरना होगा ना। अरे तुम नए नए आए हो, तुम्हें मालकिन के बारे में नहीं पता, जानते हो वो मुझे कितने गालियां देती है, आज इस नई गाड़ी की ऐसी की तैसी कर दूंगा, कहकर तेज चलाने लगा। ये देखकर मिश्रा, गुरु गुरु जरा धीरे चलाओ, बहुत तेज चला रहे हो गुरु, अगर गाड़ी लुढ़क गई तो समझो बेड़ा गर्क हो गया। अरे जो डीजल हमने बेच दिया है उसकी भरपाई करनी हो तो तेज चलाना पड़ेगा, तभी ज्यादा दूर जा पाएंगे, वरना मालकिन को शक हो जाएगा और क्या कहते हैं, गाड़ी लुढ़क जाएगी। अरे ये कोई पुरानी गाड़ी थोड़ी है, ये गाड़ी एकदम नया है, टायर भी नए हैं, ये बिल्कुल नहीं पलटी मारने वाली, चाहो तो देख लो मैं मोड़ पे गाड़ी को कैसे मोड़ता हूँ, कहकर मोड़ में सर्र करके मोड़ा गाड़ी को, बस गाड़ी स्किड हो गई और जर्र करके सड़क के किनारे से जा टकरा कर गाड़ी रुकी। क्लीनर और ड्राइवर दोनों छोटे मोटी चोटों के साथ ट्रक से बाहर निकले। क्यों गुरु, मैंने तुम्हें कई बार समझाया, तुमने मेरी बात नहीं सुनी, अब देखो क्या हो गया, मालकिन ने पहले ही वार्निंग दिया था कि छोटी सी भी खरोंच नहीं आनी चाहिए गाड़ी में, और तुमने क्या किया, नई गाड़ी को खरोंच ही खरोंच खरोंच से भर दिया। अरे बंद कर अपनी गंदी जुबान, तेरी इस काली जुबान की वजह से ही ये सब कुछ हुआ है। अरे शुभ शुभ बोलने के बजाय बस गाड़ी तेज ना चलाओ, गाड़ी लुढ़क जाएगी, गाड़ी में खरोंच आ जाएगा, गाड़ी को चोट लग जाएगी, ऐसे बोलते ही जा रहे थे। वाह गुरु, ड्राइवर क्लीनर को ही गाली देता है, एक तो तुमने गाड़ी ठीक से नहीं चलाया, उसे जाकर ठोक दिया, ऊपर से तुम मुझे डांटते हो, अब क्या होगा, इस नुकसान की भरपाई के लिए मालकिन तुम्हारे घर को जब्त कर लेगी बस। अरे कमीने चुप हो जा, थोड़ा मुझे सोचने दे, कहकर एक जेसीबी को बुलवाया और उल्टे हुए ट्रक को उठवाया और उसे एक मैकेनिक के शेड के पास ले गए। ये देखकर मिश्रा, ये क्या गुरु, ट्रक को यहाँ क्यों ले आया,
अरे अगर इस ट्रक को ऐसे ही ले गए तो वो चुड़ैल मेरे घर को जब्त कर लेगी, इसीलिए इस ट्रक को रिपेयर करा के नया पेंट लगाकर उसके पास ले गए तो ही ठीक रहेगा। कहकर उसको रिपेयर कराया, पेंट कराकर माल को मुंबई में पहुंचाकर वापस लाकर ट्रक को मालकिन को सौंप दिया। ये देखकर मिश्रा, वाह गुरु वाह, तुम्हारे इस कमीनेपन की भगवान ने बिल्कुल सही सजा दी है। गाड़ी के रिपेयर और पेंटिंग का बहुत खर्चा हुआ है गुरु, देख लो बिल। अरे मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, अगली बार मेरे साथ ट्रिप में ना आना, तुम और तुम्हारी काली जुबान। गाड़ी को सही सलामत देखकर मनीषा मुकेश से, अरे वाह मुकेश, तुमने गाड़ी का बहुत अच्छा ख्याल रखा। और नहीं तो क्या मालकिन, आप कहें और मैं आपकी बात ना मानूं, ऐसा हो सकता है? इसीलिए मैं गाड़ी को बड़े प्यार से लेके आया हूँ, मुझे इनाम देना चाहिए। तब सब हंसने लगे। 10,000 गोलगप्पा कुकिंग। एक गांव में शांताराम और लक्ष्मीबाई नाम के पति पत्नी 20 साल से गोलगप्पे का धंधा कर रहे थे। क्योंकि वे दोनों बूढ़े हो चुके थे तो वे दोनों सवेरे से ही गोलगप्पों के लिए पूरियां, पानी, चने वगैरह आराम से घर पर बैठ के ही बनाते थे। उस गांव के चौक पर कैलाश नाम का व्यक्ति ने एक शानदार गोलगप्पों की दुकान खोलकर उसमें गोलगप्पे बेचने के लिए कस्टमर की राह देख रहा था, पर कस्टमर्स उसके पास ना जाकर पास ही एक पेड़ के नीचे लाइन बनाकर खड़े थे। ये सब देखकर नया नया नौकरी पर लगा उसका असिस्टेंट विजय कैलाश से, मालिक हम गोलगप्पे बेचने के लिए तैयार हैं, फिर भी कस्टमर हमारे पास ना आकर वहाँ लाइन लगाकर किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं? ऐसा है विजय कि वे कस्टमर शांताराम की प्रतीक्षा कर रहे हैं जो स्टैंड पर रखकर गोलगप्पे बेचता है। वे सब शांताराम के गोलगप्पे के स्वाद के आदि हैं। वे शांताराम के आने की प्रतीक्षा करते हैं और उसी के गोलगप्पे खाते हैं। वहाँ खत्म हो जाने पर बाकी कस्टमर्स अपने दुकान पर आकर गोलगप्पे खाते हैं। इसीलिए मेरे कॉम्पिटिटर शांताराम की प्रतीक्षा मैं भी कर रहा हूँ, अपनी अपनी किस्मत है। तभी शांताराम और लक्ष्मीबाई वहाँ आए और स्टैंड पर गोलगप्पे को रखा। कस्टमर्स लाइन लगाकर गोलगप्पे खरीद कर खाने लगे। थोड़ी देर बाद शांताराम, हमारे पास आज के लिए गोलगप्पे खत्म हो गए हैं, जो लोग लाइन में खड़े रह गए वो मुझे माफ कर दें और कैलाश के पास जाकर खाइए, कहकर अपना स्टैंड लेकर वहाँ से चला गया। जो कस्टमर्स रह गए वो लाचार होकर कैलाश के पास जाकर उसके पास ज्यादा दाम देकर गोलगप्पे खाने लगे। ये सब देखकर विजय कैलाश से, मालिक एक सवाल है, 20 साल से ये धंधा करते हुए भी शांताराम यूं गरीब क्यों है? जो पैसे कमाया उसे गलत आदतों के कारण उड़ा दिया क्या? नहीं विजय, उन पैसों से दोनों बेटों को अच्छा पढ़ाकर विदेश भेजा, वे दोनों वहीं के लड़कियों से शादी करके माँ बाप को भूल गए, इसीलिए बूढ़े होने पर भी यूं गोलगप्पे का धंधा कर रहे हैं। यदि वो बूढ़ा शांताराम मेरा कॉम्पिटिटर ना होता तो इस गांव का सारा गोलगप्पा मैं ही बेचता। धत बूढ़ों ने सब काम खराब कर दिया, उसका धंधा चौपट करना होगा, यूं कहा गुस्से में। अगले दिन रोज की तरह शांताराम की प्रतीक्षा कर रहे कस्टमर्स को देखकर खींच कर कैलाश, शांताराम बुढ़ापे के कारण दिन भर दिन देरी से आ रहा है, मेरा धंधा का टाइम भी खराब हो रहा है और बिक्री भी नहीं हो रही है, ये कस्टमर्स मेरी दुकान पर तब तक नहीं आएंगे जब तक शांताराम के गोलगप्पे खत्म ना हो जाएं, लाखों रुपए की लागत है और नुकसान हो रहा है, किसी भी तरह शांताराम का धंधा बंद कराना होगा, कोई उपाय सोचना होगा। यूं सोच रहा था कि शांताराम और लक्ष्मीबाई ने आकर गोलगप्पे का स्टैंड लगाया। हमेशा की तरह कस्टमर्स लाइन लगाकर गोलगप्पे खाने लगे। शांताराम के पास गोलगप्पे खत्म हो गए तो वे कैलाश के पास गए। कैलाश ने अपना धंधा अपने असिस्टेंट विजय को सौंपा। बाद में कैलाश शांताराम के पास गया और, देखे आप दोनों बूढ़े हो गए हैं, इसीलिए ज्यादा गोलगप्पे आप नहीं बना पा रहे हैं, मैं थोड़े पैसे देता हूँ, आप इस धंधे को छोड़कर आराम से घर बैठे ही खाना खाइए और आराम की जिंदगी बिताइए। देखो बेटा कैलाश, हम तुमसे उम्र में बड़े हैं, धंधे में भी तुम्हारे सीनियर हैं, जरा इज्जत से बात करो, हमें तुम्हारे दिए हुए भीख में जिंदगी गुजारने की जरूरत नहीं है, हम चाहे जितना मर्जी गोलगप्पे तैयार कर सकते हैं, हम जितना कमाना चाहते हैं हम उतना ही धंधा कर रहे हैं। ठीक है, अगर इतना ही यकीन है तो एक शर्त लगाते हैं, कल आप सबके सामने 10,000 गोलगप्पे बनाकर दिखाओ, अगर आप वो शर्त जीत गए तो मैं ये दुकान आपको देकर मैं चला जाऊंगा, अगर आप नहीं बना पाए तो ये धंधा छोड़ देना होगा, मंजूर है? बेटा कैलाश, ये शर्त वगैरह अपने हम उम्र के लोगों के साथ लगाओ, हम अपने तरीके से काम कर रहे हैं, हम बूढ़े हैं, हमें रहने दो। वाह बड़े होशियार हो शांताराम, तुम जानते हो कि तुम्हारी औकात क्या है, शर्त से बचने के लिए ही ऐसे टाल रहे हो ना?
ये बात सुनकर लक्ष्मीबाई गुस्से से, कैलाश तुम्हारे 10,000 के गोलगप्पे की शर्त हमें मंजूर है। अगले दिन लक्ष्मीबाई और शांताराम ने अपने 20 साल के तजुर्बे का फायदा उठाकर बड़े आराम से और सहज तरीके से 10,000 गोलगप्पे बनाकर शर्त जीत गए। ये देखकर कस्टमर्स ने ताली बजाकर उनका अभिनंदन किया। मैं सबके सामने स्वीकार करता हूँ कि मैं शर्त हार गया हूँ। इस लालच में कि गांव का सारा गोलगप्पा का बिजनेस मैं ही चलाऊं, आपका उम्र का और तजुर्बे का लिहाज ना करते हुए आपका मैंने अपमान किया। मुझे अच्छा सबक मिला। शर्त अनुसार अब से ये दुकान आप ही का है। देखो बेटा कैलाश, हम कम गोलगप्पे इसलिए नहीं बना रहे थे कि हमसे बनता नहीं था, हम इसलिए बना रहे थे कि उतने से हमारा गुजारा हो जाता था। पर तुम जवान हो, अभी शादी करना है, परिवार चलाना है और जिंदगी में बहुत कुछ भी करना बाकी है, इसलिए हमारे कस्टमर्स तुम्हें दे रहे हैं। तुम अपना दुकान संभालो, हम अपना धंधा करते हैं। कैलाश उनके पैरों में गिरकर उनसे माफ़ी मांगा।